हेलो एवरीवन, मेरे चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। भाई मार्केट में ना एक्टिव 2 का कॉम्बो आ चुका है, बहुत ही ज्यादा लेटेस्ट ये कॉम्बो होने वाला है। आज आपका भाई आप लोगों के लिए लेकर आ चुका है एक्टिव 2 का कॉम्बो। इसके अंदर आप लोगों को धमाकेदार फीचर्स देखने को मिलने वाले हैं। इसके अंदर आप लोगों को एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिलता है। जी हाँ, तो चलते इसको अनबॉक्स करते हैं और आप लोगों को बताते हैं इसके अंदर खास फीचर्स क्या क्या है और आप लोग इसे कितने में ले सकते हो और कहाँ से ले सकते हो। तो चलते हैं बिना किसी देरी के इसकी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर आप लोगों को इसका बॉक्स कुछ इस तरीके का देखने को मिलता है, जैसे एक्टिव 2 का बॉक्स आता है बिल्कुल वैसा ही बॉक्स यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिल रहा है। और इसके अंदर आप लोगों को बिल्कुल ओरिजिनल जैसे ही सारे फीचर्स देखने को मिलने वाले हैं। इसके सारे चीजें बॉक्स पे मेंशन है, आप लोग देख सकते हो। और जैसे ही इसके बॉक्स के पीछे जाते हैं, इसके पीछे आप लोगों को इसके बेसिक से डिटेल्स देखने को मिल जाती है, कौन सा मॉडल नंबर है या अदर फीचर्स वगैरह आप लोगों को पीछे देखने को मिल जाते हैं। यहाँ पर जैसे हम इस बॉक्स को खोलते हैं, यहाँ पर हमारे 7 स्टेप्स देखने को मिल जाती है और सारी स्टेप आप लोगों को डिफरेंट डिफरेंट देखने को मिलती है। यहाँ पर सबसे पहले हमारे पास ये वाली स्टेप आ जाती है और उसके बाद हमारे पास ये वाली स्टेप आ जाती है भाई, और उसके बाद ये पिंक कलर वाली। भाई अगर लड़कियों के लिए गिफ्ट लेना चाहते हो रक्षाबंधन के लिए, तो आपकी बहनों के लिए काफी ज्यादा बढ़िया गिफ्ट हो सकता है ये पिंक कलर वाले स्टेप्स। इसके अंदर आप लोगों को पिंक वाले काफी सारे स्टेप्स देखने को मिल जाते हैं, ये वाला भी देखने को मिल जाता है। तो अगर आप लोगों की सिस्टर को कोई भी स्टेप पसंद आ सकते हैं तो आप ये डेफिनेटली उसे गिफ्ट कर सकते हैं। यहाँ पर इसके साथ ही इसके बॉक्स में इसका फास्ट चार्जर देखने को मिल जाता है। इसके अंदर आप लोगों को वायरलेस चार्जर देखने को मिलता है और ये काफी ज्यादा फास्ट चार्जर होने वाला है, जो नॉर्मल मार्केट में मिलते हैं उससे काफी ज्यादा अच्छी क्वालिटी वाला ये चार्जर आपको देखने को इसके अंदर मिलेगा। एक एक्स्ट्रा पिन देखने को मिल जाती है, अगर वो वगैरह जाते हैं तो आप लोगों को इसके अंदर 2 एक्स्ट्रा पिन्स देखने को मिल जाती है, जिसको यूज करके आप स्टेप वगैरह चेंज कर सकते हो। इसके अंदर एक स्टेप देखने को मिल जाती है गोल्डन कलर की चेन वाली, जिसकी क्वालिटी काफी ज्यादा बढ़िया है। पर आप लोगों को जितनी भी स्टेप्स देखने को मिलते हैं काफी ज्यादा अच्छी क्वालिटी की ये स्टेप्स है, और सिल्किन स्टेप्स यहाँ पर काफी ज्यादा सॉफ्ट है, आपके हाथों पर काफी ज्यादा स्मूथ लगेगा और आप लोगों को ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगने वाला कि आपने हाथ में कुछ पहना हुआ है, आप लोगों को काफी ज्यादा स्मूथ फील होने वाला है। यहाँ पर अच्छी क्वालिटी की स्टेप्स इसके अंदर सारी दी गई है और एप्पल जैसे लुक की वाली स्टेप्स भी यहाँ पर देखने को मिल जाती है, जो वॉच अल्ट्रा वगैरह में स्टेप्स आती है। अब भाई हमारे पास सबसे पहले हमारी एक्टिव 2 का यहाँ पर डायल आ जाता है भाई, जो हमारी मेन स्मार्ट वॉच है वो हमारे सामने आ जाती है। और बहुत ही ज्यादा अच्छी क्वालिटी की ये स्मार्ट वॉच होने वाली है। यहाँ पर आप लोगों को बिल्कुल ओरिजिनल क्वालिटी की ये हमारे पास स्मार्ट वॉच आती है और यहाँ पर आप लोगों को गोल्डन फिनिश के साथ ये हमारी स्मार्ट वॉच देखने को मिल जाती है। यहाँ पर फिनिशिंग काफी ज्यादा बढ़िया है। यहाँ पर अगर मैं इसके डिस्प्ले की बात करूँ तो इसके अंदर आप लोगों को एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिलता है, जिसकी क्वालिटी काफी ज्यादा डिसेंट सी है और आप लोगों को कलर्स वगैरह काफी ज्यादा बढ़िया देखने को मिलने वाले हैं। चलते हैं सबसे पहले इसके अंदर स्टेप लगाते हैं और बाकी अपने स्मार्ट वॉच को ऑन करके देखते हैं कि अंदर क्या क्या फीचर्स है। वॉच की इस साइड में आप लोगों को इसकी स्पीकर ग्रिल देखने को मिल जाती है और दूसरे साइड आप लोगों को माइक देखने को मिल जाता है। इसी के साथ आप लोगों को पावर बटन देखने को मिलता है और एक बैक बटन देखने को मिलता है, जिससे अगर आप कोई भी चीज कर रहे हो तो बैक करने में आपकी हेल्प होगी। तो अभी स्मार्ट वॉच पर मैंने ये वॉलपेपर सेट करा और ऊपर से नीचे की तरफ आप करते हो तो आप लोगों को यहाँ पर नोटिफिकेशन सेटिंग्स देखने को मिल जाती है। कुछ ऐसे यहाँ पर आप लोगों को मैसेजेस में नोटिफिकेशन देखने को मिलती है। बाकी आप ऊपर से नीचे की तरफ लाते हो तो यहाँ पर आप लोगों को सारी सेटिंग्स वगैरह देखने को मिल जाती है। डायरेक्टली आप सेटिंग में जा सकते हो, लॉक कर सकते हो, यहाँ पर नोटिफिकेशन को ऑफ कर सकते हो, साइलेंट पे कर सकते हो और टॉर्च वगैरह को ऑन कर सकते हो। तो यहाँ पर ये सारी चीजें आप लोगों को देखने को मिल जाती है और यहाँ पर कॉल वगैरह के लिए, थीम वगैरह चेंज करने के लिए आप लोगों को ऑप्शन डायरेक्टली आप यहीं पर देखने को मिल जाता है। तो सिंपली आप लोगों को ये प्रेस कर देना है और यहाँ पर आप लोग डायरेक्टली मेन्यू में आ जाओगे। तो अभी यहाँ से बैक चलते हैं और यहाँ पर क्या क्या चीजें हैं। यहाँ पर आप लोगों को स्टेप्स वगैरह देखने को मिलते हैं, आप लोगों ने टोटल कितने स्टेप्स वगैरह चले हैं, कितनी कैलोरीज बर्न हुई है, ये सारी डिटेल्स। और यहाँ पर आप लोगों को हार्ट रेट सेंसर्स देखने को मिल जाते हैं, पीछे आप लोगों को यहाँ से कैलकुलेट करके बता देगा। और यहाँ पर आप लोगों को म्यूजिक का भी ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं, अगर आप गाना वगैरह सुनना चाहते हो तो फोन से आप पेयर करके यहाँ पर गाना भी सुन सकते हो। बाकी यहाँ पर फोन से आप कनेक्ट करोगे तो वेदर भी आ जाएगा। तो यहाँ पर आप लोगों को स्लीप मॉनिटर देखने को मिल जाता है, आप कितने टाइम सोए हो और वो सारी चीजें आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिल जाती है। यहाँ पर आप लोगों को हार्ट रेट सेंसर्स देखने को मिल जाते हैं, कैलकुलेटर देखने को मिल जाता है एप्पल स्टाइलिंग में। यहाँ पर आप लोगों को सेटिंग्स में लेकर आ गया हूँ मैं, यहाँ पर आप लोग देख सकते हो सेटिंग्स में क्या क्या ऑप्शंस देखने को मिल जाते हैं। यहाँ पर सबसे पहले आप लैंग्वेज और मेन्यू स्टाइल पासवर्ड वगैरह लगाना चाहते हो तो वो सारी चीजें आप कर सकते हो। यहाँ पर टाइम फॉर्मेट वगैरह, जेस्टर्स वगैरह कुछ भी बदलना है तो आप यहाँ से बदल सकते हो। यहाँ पर आप लोगों को बीपी मॉनिटर देखने को मिल जाता है और यहाँ पर इसके जो भी आपका बीपी वगैरह रहेगा वो भी यहाँ से कैलकुलेट हो जाएगा। यहाँ पर अगर आप लोगों को मेन्यू स्टाइल में चेंज करना है तो आप यहाँ से जाकर और डिफरेंट डिफरेंट मेन्यू स्टाइल्स आप लोगों को यहाँ पर 4 मेन्यू स्टाइल्स देखने को मिलते हैं, उसमें जाके आप चेंजेस वगैरह कर सकते हो। यहाँ पर अगर आप लोगों को फोन खो हो जाता है तो वो भी आप ढूंढ सकते हो। और यहाँ पर आप लोगों को क्लॉक देखने को मिल जाता है, स्टॉप वॉच देखने को मिल जाता है। तो बेसिकली यहाँ पर आप लोगों को जो भी स्मार्ट वॉचेस में सारे फीचर्स आते हैं वो आप लोगों को इसके अंदर देखने को मिल जाते हैं। यहाँ पर आप लोगों को सारे स्पोर्ट्स मोड वगैरह देखने को मिल जाते हैं। आप लोगों को मैं एक बार सारे स्पोर्ट्स मोड दिखा देता हूँ। यहाँ पर आप लोगों को इंडोर साइकिलिंग और स्टेयर्स वे सेटअप्स वगैरह, पुशअप्स, जंप रोप वगैरह और डिफरेंट टाइप्स के यहाँ पर आप लोगों को
इंडोर स्पोर्ट्स एक्टिविटीज वगैरह देखने को मिल जाती है। और इस स्मार्ट वॉच के अंदर भाई आप लोगों को बहुत ही ज्यादा अच्छा रिफ्रेश रेट देखने को मिलता है। आप लोग देख सकते हो कितने ज्यादा अच्छे से यहाँ पर रिफ्रेश रेट काम कर रहा है। ये AI केयर ऐप डाउनलोड कर लेना है इस ऐप स्मार्ट वॉच को कनेक्ट करने के लिए और आप लोगों को सारी चीजें समझ आ जाएंगी। यहाँ पर आप लोगों को रजिस्टर भी कर सकते हो और डायरेक्टली एप्पल वगैरह से या फेसबुक वगैरह से लॉग इन कर सकते हो। आप लोगों को छोटी मोटी डिटेल्स फिल करनी है और आप लोगों को अकाउंट क्रिएट हो जाएगा और यहाँ पर एक्सेस दे देना है 2-3 चीजों का जिससे आपका सारा डेटा वगैरह यहाँ पर आ जाए। अब यहाँ पर आप लोगों को अपनी स्मार्ट वॉच कनेक्ट करनी पड़ेगी इस ऐप में। यहाँ पर प्लस आइकन पे आप लोगों को जाना है और यहाँ पर आप लोगों को अपना ब्लूटूथ ऑन कर देना है तो यहाँ पर आपकी स्मार्ट वॉच आ जाएगी और यहाँ पर आसपास के जितनी भी स्मार्ट वॉचेस वगैरह है यहाँ पर सर्च हो जाएंगी। हमारे पास क्या है, स्मार्ट वॉच है और यहाँ पर हमारी स्मार्ट वॉच अब कनेक्टिंग हो रही है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो भाई यहाँ पर एक्टिव टू नेम आ चुका है और पेयर होने के लिए रेडी है और यहाँ पर देखो अभी पेयर हो जाएगी। यहाँ पर देखो पेयर हो रही है तो यहाँ पर कनेक्ट करना बहुत ज्यादा इजी है और यहाँ पर बाइंडिंग सक्सेसफुली हो चुकी है। और यहाँ पर बहुत सारी चीजें हैं भाई जैसे वॉलपेपर वगैरह है, मुझे चेंज वगैरह करना है तो मैं यहाँ पर डायरेक्टली यहाँ से चेंज कर सकता हूँ। स्मार्ट वॉच में सबसे अच्छा वॉलपेपर ये लगता है क्योंकि यहाँ पर आप लोगों को सारी डिटेल्स वगैरह देखने को मिल जाती है। तो ये वाली स्मार्ट वॉच खरीदते हो तो आप लोग ये ऐप इंस्टॉल कर यहाँ से सारी चीजें कर सकते हो। अगर कॉन्टेक्ट वगैरह ऐड करना है तो भी आप सिंक कर सकते हो यहाँ से कॉन्टेक्ट वगैरह इसके अंदर डालकर। अभी मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि आप कॉन्टेक्ट वगैरह कैसे डाल सकते हो इसके अंदर। तो यहाँ पर आप लोगों को डिवाइस में चले जाना है, यहाँ से जाकर आप लोगों को बुक में जाकर आप कॉन्टेक्ट वगैरह इसमें ऐड कर सकते हो। अगर आप लोगों की स्मार्ट वॉच बार बार खोती रहती है तो फाइंड माई वॉच ऑप्शन आप लोगों के लिए काफी ज्यादा बेस्ट हो सकता है, आप लोग इसे जरूर यूज करना। यहाँ पर आप लोगों को जो इस स्मार्ट वॉच का डिजाइन वगैरह है काफी ज्यादा फ्यूचरिस्टिक देखने को मिलता है और यूनिक डिजाइन है। यहाँ पर आप लोगों को राउंड शेप का ये डायल देखने को मिलता है, इसके अंदर आप लोगों को एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिलती है। रिफ्रेश रेट वगैरह काफी ज्यादा अच्छे हैं, आप लोगों को इस स्मार्ट वॉच में कोई भी लैग वगैरह देखने को नहीं मिलता। इसके अंदर आप लोगों को सारे स्पोर्ट्स मोड देखने को मिल जाते हैं, सारे सेंसर्स देखने को मिल जाते हैं और अगर आप लोग इससे कॉलिंग वगैरह करते हो, मैंने कॉलिंग करके देखी, काफी डिसेंट सा एक्सपीरियंस है। अगर मैं 10 में से मार्क्स करूं तो आप लोग इसके कॉलिंग फीचर को 8 दे सकते हो। यहाँ पर आवाज वगैरह काफी ज्यादा सही से जा रही थी और उधर से सही से आ भी रही थी और परफॉर्मेंस ठीक ठाक थी कॉलिंग पर। और यहाँ पर आप लोगों को चार्जिंग वगैरह की बात करूं तो इस स्मार्ट वॉच के अंदर आप लोगों को लगभग फुल चार्ज करने में 0 से 100 करने में आप लोगों को 2.5 घंटे का टाइम लगेगा। इस स्मार्ट वॉच उनके लिए काफी ज्यादा बेस्ट हो सकती है जो अपने सिस्टर्स को इस राखी पर गिफ्ट करना चाहते हो स्मार्ट वॉच वगैरह। इसके अंदर आप लोगों को काफी सारे स्टेप्स वगैरह देखने को मिल जाती है, आप लोग गिफ्ट कर सकते हो और रक्षाबंधन के लिए काफी ज्यादा बढ़िया ये गिफ्ट हो सकता है। थैंक यू सो मच मेरी वीडियो देखने के लिए। अगर आप लोगों को ये स्मार्ट वॉच लेनी है तो बहुत ही ज्यादा सस्ते प्राइस पर आप लोगों को अमेजोन फ्लिपकार्ट वगैरह पर मिल जाएगी और आप लोगों को अगर चाहिए तो लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहां से जाकर आप इसे डायरेक्टली बाय कर सकते हो और आप लोगों को सिर्फ 1000 रुपीज के आसपास का ये मिल जाता है और आप लोग इसे जरूर से जरूर बाय कर सकते हो।